सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं करती हूँ आज इस संघसा की धरती पे पधारे सभी आसपास के गांव के और पूरे उत्तर प्रदेश से यहाँ पे आए हुए हमारे सभी पिता तुल्य बुजुर्ग भाई माताएं बहनें और प्यारे से बच्चे भी यहाँ पे हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज से चूंकि यहाँ संघसा महोत्सव शुरू हो रहा है तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और चूंकि ये संघसा की धरती है तो इस धरती से मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कुछ हमारे सपने हैं संघसा को लेके जो हम आपके बीच में आज रखना चाहते हैं। चूंकि आज काफी संख्या में यहाँ लोग आए हुए हैं तो मैं अपने सभी शाके समाज के लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि हमारा जो सपना है कि संघसा की धरती पे इतना शानदार डेवलपमेंट होना चाहिए जिस तरह से आज की क्योंकि सरकार है तो वो अयोध्या मंदिर की बात करती है। पूरे आप देश में देखिए अयोध्या मंदिर की बात होती है, कहीं काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर की बात होती है, लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी संघसा की धरती की बात नहीं होती है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, एक निवेदन करना चाहती हूँ कि हम चाहते हैं कि आने वाले समय में डॉक्टर साहब इस संघसा की धरती से, इस फर्रुखाबाद की धरती से आप सब लोगों के नेतृत्व में आने वाले हैं। और चूंकि इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ना तय है और क्योंकि हमारा सपना है कि जिस तरह से कावड़ियों पे फूलों की बरसात की जाती है हेलीकॉप्टर से, हमारा सपना है कि हमारी संघसा की धरती पे भी हमारे बौद्ध अनुयायियों के लिए हेलीकॉप्टर से वर्षा की जाए। तो कितने लोग चाहते हैं कि संघसा की धरती पे हेलीकॉप्टर से वर्षा की जाए फूलों की? सभी लोग चाहते हैं, बहुत बढ़िया, एक बार ताली बजा दो सभी लोग। अब चूंकि ये जो हमारा सपना है ये साकार कैसे होगा? ये साकार होगा डॉक्टर साहब को मजबूत करके आने वाले चुनाव में डॉक्टर साहब को संसद में बिठा के ये सपना पूरा होगा। तो आज एक बात तय कर ले कि अगर अब संघसा में एक शानदार बदलाव चाहिए, इस संघसा की धरती पे इतना शानदार यहाँ पे निर्माण हो, भव्य निर्माण हो कि पूरे देश में इसकी चर्चा होनी चाहिए, ना कि अयोध्या मंदिरों की चर्चा होनी चाहिए। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हम सब लोग इस बार गांठ बांध लें कि डॉक्टर साहब को इस बार जो हम मौका देने वाले हैं, आप सब लोगों को आने वाले समय में गर्व महसूस होगा। इस संघसा की धरती पे जब आप आएंगे तो आपको इतना सुविधाएं मिलेंगी कि आपको ये महसूस होगा कि आपने एक बहुत अच्छा नेता चुना है। और आपसे, क्योंकि हम लोगों के ये सपने हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमारे भगवान हैं, हमारे आदर्श हैं, और हम लोगों का चूंकि ये सपना है कि हमारे ये छोटे 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 समाज के बच्चे बैठे हुए हैं, कितने सारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, हम चाहते हैं कि वो शासन और प्रशासन में बैठे और इतना मजबूत हो जाए ये शाके कम्युनिटी कि अगर हमें कोई यहाँ निर्माण कराना है तो कोई सरकार हमें रोक ना पाए, कोई अधिकारी गिरफ्तार ना कर पाए, अगर छिबरामऊ जैसे चौराहे की बात हो तो लोगों पे केस ना हो पाए, हम इतने मजबूत बन जाए कि जहां हम अपने बुद्ध की, जहां पे भी हम अपने बुद्ध की मूर्ति की स्थापना करना चाहते हैं वो हम पूरी मजबूती से वहां पे खड़े हो पाए। तो अगर आपके बच्चों का आपको भविष्य बनाना है आने वाले समय में, अगर आपको चाहते हैं कि आपके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने, आईएएस पीसीएस अधिकारी बने, डॉक्टर बने और इसके साथ साथ डीएम एसडीएम पदों पे बैठे, तो उसके लिए आपको एक पढ़े लिखे नेता को चुनना होगा। और क्योंकि हम सब जानते हैं, आप इतने सब लोग यहाँ खड़े हैं,
आप सब लोग जानते होंगे कि हमारे समाज के कितने ऐसे डीएम एसडीएम आप लोग मिल चुके हैं जिनसे, जो अपने समाज से बिलोंग करते हो। आप बता दीजिए कितने लोगों की संख्या आप लोग जानते हैं। मुझे लगता है बहुत ना के बराबर। ऐसा क्यों? ये सवाल उठता है। और मैं खास तौर पे अपनी माताओं और बहनों को कहना चाहती हूँ कि आप सब लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। आप सब लोग का भी उतना ही महत्व है जितना यहाँ बाकी संख्या में लोग खड़े हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों का और भाइयों का है। तो आपसे भी ये निवेदन है कि आपको भी अपने बच्चों का भविष्य आने वाले समय में बनाना है, तो इस बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए, इस संकसा के शानदार बदलाव के लिए, इस बार आपको डॉक्टर साहब को संसद में भेजना है और इस बार फर्रुखाबाद से सांसद बनाना है। बस यही आपसे अपील करना चाहते हैं। और इसी के साथ ही मैं चाहती हूँ बहुत जल्दी से यहाँ का म्यूजिक स्टार्ट हो, क्योंकि सब लोग इंतजार कर रहे हैं। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, मैं ऐसी तथागत बुद्ध से प्रार्थना करती हूँ। और क्योंकि हम दोनों ही लोग जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर और उनकी पत्नी, जिस तरह से ज्योतिबा राव फुले और उनकी पत्नी हमेशा समाज कल्याण में लगे रहे हैं, मैं आपको इस मंच से ये कहना चाहती हूँ कि उनके आदर्शों पे ही चलकर मैं और डॉक्टर साहब हम दोनों ही अपने जीवन पर्यंत आप लोगों की सेवा में उपस्थित रहेंगे। बस यही कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। बजवाना चाहूंगा जो भी सम्माननीय प्रियंका साहब जी को, बहुत ही मधुर भाव से आप लोगों ने सुना और आप लोगों की कृपा और आशीर्वाद रही तो इनके मुखारविंद से जो बात निकली वो हकीकत सच होगी और आपका सपना साकार होगा। और डॉक्टर नवल किशोर साहब जी आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। सुनिएगा बहुत सी काफी